सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की सुन फ्रेंड्स बताने वाले, अक्सर क्या होता है हम लोग किसी तरह का फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, वीजा साइज फोटो, किसी भी साइज का फोटो वहाँ पे मांगा जा रहा है। लेकिन आज की सुन फ्रेंड्स बताने वाले, मोबाइल फोन से पासपोर्ट साइज फोटो, वीजा साइज फोटो, किसी भी साइज का फोटो कैसे बनाएंगे, आज की सुन फ्रेंड्स दिखाने वाला हूँ। मोबाइल फोन से पासपोर्ट साइज फोटो बनाकर वहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं आपको, अगर आपके पास कोई प्रिंटर तो। लेकिन आज की सुन फ्रेंड्स दिखाने वाला हूँ मोबाइल फोन से कैसे पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे, आज की सुन पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने छोटी तरीके से वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल पर जाने कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन कर देना पड़ेगा। प्ले स्टोर जैसे ओपन करेंगे आपको देखिए पासपोर्ट साइज फोटो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट आपको ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद इसकी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे एडिटर आपको देखिए यहाँ पे आपको गेट स्टार्टअप पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे खुलकर रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे माई न्यू फोटो, माई फोटो, यहाँ पे फोटोशॉप, देखिए यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन, देखिए आपको फोटो बनाने के लिए फोटो पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के देखिए आपको न्यू फोटो पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा, देखिए बहुत सारे कंट्री आ गए यहाँ पे, हर कंट्री का पासपोर्ट साइज फोटो, वीजा साइज फोटो, किसी भी साइज का फोटो यहाँ पे बना सकते हैं। आपके पास हर कंट्री का यहाँ पे पासपोर्ट साइज वीजा साइज फोटो का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। जैसे मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं इंडिया से कर लेता हूँ। देखिए अभी देखिए इंडिया में देखिए बहुत सारा, देखिए इंडिया का बहुत सारा फोटो आ गया। देखिए यहाँ पे इंडिया पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे देखिए इंडिया पैन कार्ड फोटो, देखिए पैन कार्ड फोटो, देखिए इंडिया, ये सारे फोटो आपके। देखिए मैं यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो बनाने, देखिए नीचे में इंडिया पासपोर्ट, मैं चलिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर देखिए आपको यहाँ पे 300 DPI में रखना, आपको ओके पे क्लिक कर देना पड़ेगा। ओके पे देखिए आपको यहाँ पे अलाउ आएगा, अलाउ आपको दे देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे टू ऑप्शन आपके पास यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट आप कैमरा से ये फोटो क्लिक कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट यहाँ गैलरी से फोटो ले सकते हैं। अगर आपको गैलरी में फोटो, वहाँ से डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैमरा पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ अलाउ कर देना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने में देखिए आपको गाइडलाइंस दिखा देगा, देखिए आपको कितने फीट की दूरी में, यानी कि 3 फीट की दूरी में आपको रहना पड़ेगा, तो आपको फोटो यहाँ पर लिया जाएगा। पीछे में किसी तरह का एरर कोई तरह नहीं रहना चाहिए, तो आपको यहाँ पर फोटो आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद देख लीजिए आपको यहाँ पे, देखिए आपको फोटो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जिसका भी फोटो आप लेंगे उसका फोटो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पे मैं गैलरी से ले लेता हूँ फोटो, जो मेरा गैलरी में फोटो दे रहा है वो फोटो को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का ऑप्शन देखिए आपके पास यहाँ पे आएगा, देखिए स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको देखिए पासपोर्ट आपको आ रहा है, पासपोर्ट देखिए फ्री एप्लीकेशन है, जिसमें वाटर मार्क आएगा, वाटर मार्क आपको कट कर देना पड़ेगा। देखिए अगर फोटो आपको यहाँ टेढ़ा रहेगा तो से यहाँ फोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको सीधा आ जाएगा। फोटो को देखिए इस तरह क्रॉप यहाँ सीधा आप कर सकते हैं फोटो को, इस तरह से फोटो को यहाँ पर सीधा आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फोटो यहाँ पे देखिए यहाँ पर फोटो को रोटेट कर सकते हैं, मायरर का ऑप्शन, ये दोनों का ऑप्शन। चलिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए फोटो को यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं, इस तरह से फोटो क्रॉप भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जितना फोटो आपको यहाँ पे रखना है इस तरह से फोटो को आपको यहाँ पे क्रॉप आपको कर देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे फोटो को यहाँ पे क्रॉप कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ कॉपी पर क्लिक करना पड़ेगा। कॉपी पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास इस तरह का ऑप्शन, देखिए आपको यहाँ पे फोटो कलर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फोटो का ब्राइटनेस अगर करना चाहते हैं ब्राइटनेस यहाँ पे फोटो का आप कर सकते हैं। जितना फोटो का ब्राइटनेस आप यहाँ पर रखना है उतना ब्राइटनेस फोटो का आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करें देखिए आपका यहाँ पे पासपोर्ट से देखिए पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपका बनकर यहाँ पे रेडी हो चुका। अगर यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं। देखिए ये फ्री एप्लीकेशन है, यहाँ पे वाटर मार्क आएगा, आपको वाटर मार्क यहाँ पे क्लिक कट कर देना पड़ेगा। देखिए फोटो यहाँ पे बैकग्राउंड आने के बहुत तरह यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से फोटो आप इस तरह से यहाँ पे रिमूव यहाँ पे कर सकते हैं फोटो को, यहाँ पे बैकग्राउंड इस तरह यहाँ पे बैकग्राउंड का फोटो यहाँ पे आप हटा सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे देखिए आपको यहाँ पे अपने देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर भी यहाँ दे सकते हैं। देखिए इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं नहीं देने वाला हूँ। अगर देखिए इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे पासपोर्ट साइज बनकर फोटो आपका रेडी हो चुका। इसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, इसके मैं स्किप कर देता हूँ। इस पर देखिए स्किप करने में देखिए इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आपको आ जाएगा इस तरह का। देखिए यहाँ पर आउटलाइन कलर यहाँ पर दे सकते हैं अपने फोटो में, जो भी आउटलाइन कलर आपको देना पड़ेगा आउटलाइन कलर आपको यहाँ पे दे देना पड़ेगा। चलिए आउटलाइन कलर यहाँ पे मैं फटाफट से दे दे रहा हूँ। आउटलाइन कलर मैंने दे दिया। अब देखिए यहाँ पे जो आप फोटो का नाम रखना चाहते हैं वो फोटो का यहाँ पे आपको नाम क्लिक करना पड़ेगा। चलिए फोटो का यहाँ पे मैं नाम क्लिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको किस में रखना है, देखिए JPG में, यहाँ पर PNG वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जितना यहाँ पे JPEG में रखेंगे इतना हाई क्वालिटी का आपको फोटो यहाँ पे बनेगा। चलिए यहाँ पे मैं रख दूँगा, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपके पास यहाँ पे फोटो आपके पास यहाँ पे रिडायरेक्ट यहाँ पे कर दिया जाए।
अगर आपके पास प्रिंटर तो यहीं से फ़ोटो को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे फ़ोटो मल्टीपल कॉपीज़ पे क्लिक करेंगे, आपके पास कौन सा साइज यहाँ पे आपके पेज है वो पेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर पेज सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे बनकर आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा, आपके फ़ोटो की यहाँ पे लिस्ट आ चुकी। अब फोटो को यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको फ़ोटो कम करना मैनेज पे क्लिक करेंगे, अगर फ़ोटो को ज़्यादा करना है तो प्लस के आइकन पर यहाँ पे फ़ोटो को आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपको फ़ोटो यहाँ पे कम या गैप लग रहा था फ़ोटो को यहाँ पे कम ज़्यादा गैप भी आप यहाँ से फ़ोटो को कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा। इसके बाद आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे किस में रखना है पीएनजी में रखना है जेपीजी में वो आपको यहाँ पे रख लेना। इसके बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और देखिए आपका फ़ोटो यहाँ पे सेव हो चुका। अब आपके पास कौन सा प्रिंटर है वो प्रिंटर का आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से जाकर आप फोटो को वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर फोटो यहाँ पर कैसे बनाया जाता है मोबाइल फ़ोन से। अगर आपके पास कैनन का है तो प्रिंटर तो आप वहाँ पर कैनन के जाकर प्ले स्टोर से कैनन की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से सारा चीज़ करके वहाँ से आप फोटो को वहाँ पर आप जाकर वहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। सो आप इस तरह से यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से पासपोर्ट साइज वीजा साइज फोटो यहाँ पे किसी भी साइज का फोटो बना सकते हैं। सो आई होप की वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट करके नीचे पूछ